गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कॉनिक सेक्शन के अंतर्गत दीर्घवृत्त इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी छात्र देखें, दीर्घवृत्त क्या होता है। तो हम यहां देखते हैं कि यह डायग्राम है, इसमें एक दीर्घवृत्त एक तल के दो बिंदुओं का समुच्चय है जो दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग अचर होता है। तो यहां पर एक देखेंगे दीर्घवृत्त बना हुआ है, दो स्थिर बिंदु दिए हैं F1 F2। तो हम देखते हैं कि एक दीर्घवृत्त पर एक कोई बिंदु लेके चल रहा है, तो F1 P1 और दूसरे स्थिर बिंदु F2 है, तो F2 P1 यानी कि P1 का F1 से डिस्टेंस और F2 से डिस्टेंस, उनका योग जो है स्थिर होता है। यह मान कितना होता है? स्थिर होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम P2 से देखते हैं तो F1 P2 प्लस F2 P2, इसका मान भी एक कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब स्थिर राशि होगी, क्लियर। तो ये दिख रहा है कि मान सभी के बराबर होते हैं, दिख रहा हुआ है, ठीक है। इसमें नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो यह वृत्त का केंद्र है और दीर्घवृत्त की नाभियों से जाने वाले रेखाखंड को दीर्घ अक्ष कहते हैं। तो यह क्या है? आपका दीर्घ अक्ष है, ये देखिए ये वाली दीर्घ अक्ष है और ये वाला जो है लघु अक्ष है, ठीक है। यह केंद्र है, F1 F2 क्या है? नाभि है, और A और B क्या है? शीर्ष, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि अर्ध दीर्घ अक्ष, लघु दीर्घ अक्ष और दीर्घ अक्ष के केंद्र से नाभि के बीच की दूरी। तो यहां पर देखते हैं, पॉज कर दिया क्या? दोनों नाभियों कौन कौन से? F1 तथा F2 के बीच की दूरी को क्या माना हमने? 2C बराबर 2C है, ठीक है। और आपका दीर्घ अक्ष कितना होगा? दीर्घ अक्ष बराबर 2A और लघु अक्ष बराबर 2B दिया हुआ है, क्लियर, ठीक है। और इनके बीच में रिलेशन जो है, ये वाला फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। यह फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखेंगे, इनका सवाल में जरूरत पड़ेगी। अब उत्केंद्रता, उत्केंद्रता क्या होती है? दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि और केंद्र से शीर्ष के दूरियों के अनुपात को उत्केंद्रता कहते हैं। तो यहां पर E इक्वल टू होता है C/A। इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, इसको उत्केंद्रता बोलते हैं, क्लियर। और इसका मानक समीकरण जो स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला होता है दीर्घवृत्त का, ये फॉर्मूले होते हैं, इसमें A और B आपके दीर्घ और लघु अक्ष हैं क्रमशः। नाभिलंब जीवा, तो नाभिलंब की दोनों नाभिलंब की लंबाई बराबर होती है, और यदि हमने नाभिलंब को L माना है तो L का मान हम इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, इसको सभी बच्चे नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें यह जो आपका दीर्घवृत्त का सूत्र आएगा X²/5² / Y²/3²
इक्वल वन, क्लियर। तो यहां ए इक्वल टू फाइव और बी इक्वल टू आपका थ्री है, तो सी इक्वल टू कितना होता है आपको बताया था हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह जाएगा आपका 25 माइनस 9 4, तो c का मान कितना है 4 है, ठीक है। अब हमको इसमें दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई ज्ञात करना है, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी दी है 2a, तो 2 इंटू 5 10, और लघु अक्ष की लंबाई कितने दिए 2b, 2 इंटू 3 इक्वल 6, ठीक है। उत्केंद्रता का फॉर्मूला क्या है, उत्केंद्रता का फॉर्मूला है c अपॉन a, तो c कितना है आपका 4 और a कितना है 5, तो उत्केंद्रा आ गई आपकी, क्लियर। और नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो इसके लिए हमने आपको यहां फार्मूला लिखाया था कि क्या लंबाई, ये फार्मूला है ये वाला, तो इसको नोट कर लो, एल इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी का मान कितना है यहां पर 3 स्क्वायर और a है आपका 5, तो 9y5 ये आपके आंसर है, क्लियर। इसी तरह से आपको सभी बच्चों को क्वेश्चंस करना है एक्सरसाइज के। ओके, थैंक यू।